नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ एक्टिवा बाइक का एवरेज किस तरीके से सेट करते हैं। तो बड़े आप ध्यान से समझना। सबसे पहले जब भी आप एवरेज सेट करो तो गाड़ी को कम से कम 2 या 4 किलोमीटर चलाने के बाद ही सेट करना चाहिए। उससे क्या रहता है, इंजन वार्म अप हो जाता है और जो सेटिंग रहती है वो स्टैंडर्ड तरीके से सेटिंग हो जाती है। अब जो एक्टिवा बाइक की जो सेटिंग है वो स्टैंडर्ड सेटिंग है, वो मेरे को पता है, मैं मैनुअल है मेरे पास, उसके अनुसार मैं सेटिंग करता हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से सेटिंग करते हैं, और आप इस तरीके से सेटिंग करोगे तो आपकी एक्टिवा बाइक अच्छे से एवरेज देगी। आप खुद अपने घर बैठे सेट कर सकते हो। कुछ नहीं है, ये सीट कवर के नीचे 3 बोल्ट रहते हैं, उनको खोलो और इसको ऊपर की साइड उठा दो। तो मैंने बस 3 बोल्ट खोले, उनको ऊपर साइड उठाकर इसके नीचे एक स्टैंड रहता है, जी आपको दिख रहा है, ये स्टैंड रहता है, ये स्टैंड रहता है, स्टैंड ऊपर लगा लो। अब ये रहता है कार्बोरेटर, दिख रहा होगा, ये कार्बोरेटर रहता है। ठीक है, ये वाला जो नट आपको दिख रहा है ये आरपीएम नट रहता है, ठीक है। और ये दूसरा वाला आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम कंट्रोल, ये वाला वॉल्यूम कंट्रोल नट रहता है। ये वाला वॉल्यूम कंट्रोल नट क्या करता है, इसी से एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार होकर जाता है। यदि इसकी सेटिंग प्रॉपर नहीं है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच तैयार होगा और एवरेज कम मिलेगा। और हमेशा जो आरपीएम रहता है वो कम से कम 1300 प्लस माइनस 100 यानी 1400 आरपीएम होना चाहिए। आप सबसे पहले आप इसको किस तरीके से सेट करोगे तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाड़ी चालू करते हैं, ये आपकी गाड़ी चालू हो गई। अब सबसे पहले आप आरपीएम बढ़ाओ, आरपीएम को आपको बढ़ाना है इस ठीक है। को कम कर दो, कितना करना है आपको, 1400 के लगभग आरपीएम को कम करना है। इतना आपको आरपीएम कम करना है कि आपकी गाड़ी बंद ना हो, बस इतना रखना है आपको आरपीएम। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सेटिंग रहती है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सेटिंग है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।